किंग एंड ग्रो रिच 1937 में प्रकाशित नेपोलियन हिल की एक पुस्तक है। यह पुस्तक एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड सहित 500 से अधिक सफल व्यक्तियों के सफलता सिद्धांतों पर हिल के शोध की परिणति है। पुस्तक सफलता का एक दर्शन प्रस्तुत करती है जो विचार की शक्ति और सफलता उन्मुख मानसिकता के विकास पर केंद्रित है। पुस्तक का केंद्रीय आधार यह है कि जिस तरह से हम सोचते हैं वो हमारी वास्तविकता को आकार देता है। एक सकारात्मक और सफलता उन्मुख मानसिकता विकसित करके व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और धन का सृजन कर सकते हैं। हिल का तर्क है कि सफलता भाग्य या परिस्थितियों का मामला नहीं है, बल्कि कुछ सिद्धांतों का पालन करने और विशिष्ट आदतों को विकसित करने का परिणाम है। पुस्तक को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक सफलता के एक अलग पहलू पर केंद्रित है। इनमें इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव, विशेष ज्ञान, कल्पना, संगठित योजना, निर्णय लेना, दृढ़ता, मास्टरमाइंड की शक्ति, यौन ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों में बदलने की प्रक्रिया, अवचेतन मन और मस्तिष्क शामिल है। पुस्तक का पहला अध्याय किसी के लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने के महत्व पर जोर देता है। हिल का तर्क है कि यह इच्छा सभी उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है और उस सफलता के लिए एक स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य, कार्य योजना और अटूट दृढ़ता की आवश्यकता होती है। दूसरा अध्याय सफलता प्राप्त करने में विश्वास की भूमिका पर जोर देता है। हिल का तर्क है कि विश्वास चेतन और अवचेतन मन के बीच का सेतु है और व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता में विश्वास होना चाहिए। तीसरा अध्ययन स्व सूचना पर केंद्रित है, जो सफलता के लिए अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए प्रतिज्ञान और सकारात्मक आत्मचर्चा का उपयोग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। हिल एक सकारात्मक आत्म छवि विकसित करने और नकारात्मक विश्वासों और आत्मसंदेह को दूर करने के लिए प्रतिज्ञान का उपयोग करने के महत्व पर जोर देता है। चौथा अध्याय सफलता प्राप्त करने में विशेष ज्ञान के महत्व पर जोर देता है। हिल का तर्क है कि व्यक्ति को अपने चुने हुए क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार सीखना और बढ़ना चाहिए। पांचवा अध्याय कल्पना की शक्ति पर केंद्रित है, जिसे हिल मन की कार्यशाला मानते हैं। उनका तर्क है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की कल्पना करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करना चाहिए और वे जो हासिल करना चाहते हैं उसकी एक मानसिक तस्वीर बनानी चाहिए। छठा अध्याय संगठित योजना के महत्व पर जोर देता है। हिल का तर्क है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनानी चाहिए और यह योजना लचीली और बदलती परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। सातवां अध्याय निर्णय लेने के महत्व पर केंद्रित है। हिल का तर्क है कि सफल व्यक्ति जल्दी और निर्णायक रूप से निर्णय लेते हैं और वे जोखिम लेने से डरते नहीं है। आठवां अध्याय सफलता प्राप्त करने में दृढ़ता के महत्व पर बल देता है। हिल का तर्क है कि दृढ़ता बाधाओं पर काबू पाने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी है और यह कि सफल व्यक्ति विपत्ति के सामने कभी हार नहीं मानते। नौवां अध्याय मास्टरमाइंड की शक्ति पर केंद्रित है, जो एक सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ काम करने के सिद्धांत को संदर्भित करता है। हिल का तर्क है कि सफल व्यक्ति खुद को समान विचारधारा वाले लोगों से घेरते हैं जो उनकी दृष्टि और मूल्यों को साझा करते हैं। दसवां अध्याय यौन ऊर्जा के रहस्य पर केंद्रित है, जो यौन ऊर्जा को रचनात्मक और उत्पादक गतिविधियों में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। हिल का तर्क है कि सफल व्यक्ति अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी यौन ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों में बदलने में सक्षम है। ग्यारहवां अध्याय सफलता प्राप्त करने के अवचेतन मन के महत्व पर जोर देता है। हिल का तर्क है कि व्यक्ति को अपने अवचेतन मन से संवाद करना सीखना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। बारहवां अध्याय मस्तिष्क पर केंद्रित है, जिसे हिल सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण मानते हैं। उनका तर्क है कि व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने मस्तिष्क का प्रभावी ढंग से उपयोग करना और अपने मानसिक योग्यता को विकसित करना सीखना चाहिए। अंतिम अध्याय कार्रवाई करने के महत्व पर जोर देता है। हिल का तर्क है कि सफलता के लिए कार्रवाई की आवश्यकता होती है और व्यक्ति को उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति लगातार कार्रवाई करनी चाहिए। कुल मिलाकर थिंक एंड ग्रो रिच एक टाइमलेस क्लासिक है। कंक्लूजन,
पुस्तक का केंद्रीय आधार यह है कि जीवन में सफलता मानसिकता दृढ़ता और क्रिया के संयोजन से प्राप्त की जा सकती है। हिल का तर्क है कि सफलता के लिए ज्वलंत इच्छा विकसित करके कोई भी बाधा को दूर कर सकता है और अपने लक्ष्य को वो प्राप्त कर सकता है। पूरी पुस्तक में हिल एंड्रयू कार्नेगी हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन सहित विभिन्न उद्योगों के सफल लोगों की कहानियों और अंतर्दृष्टि को साझा करता है। वह अपने ज्ञान को सिद्धांतों और रणनीतियों के एक सेट में अस्वीकृत करता है जिसका उपयोग कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकता है। पुस्तक के कुछ प्रमुख पाठों में विजुअलाइजेशन का महत्व सकारात्मक सोच की शक्ति दृढ़ता का मूल्य और एक मजबूत समर्थन नेटवर्क की आवश्यकता शामिल है। हिल कार्रवाई करने और अवसरों के उत्पन्न होने पर उनका उपयोग करने के महत्व पर भी जोर देता है। कुल मिलाकर थिंक एंड ग्रो रिच वर्षों से अनगिनत लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है और यह उन लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बना हुआ है जो अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन के सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि कुछ भाषा और उदाहरण आधुनिक पाठकों के लिए पुराने लग सकते हैं, पुस्तक का मूल संदेश प्रासंगिक और प्रेरक बना हुआ है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका दिन मंगलमय हो।